Uh, very good morning my dear students and welcome to your e-learning classes of economics now after your test 2 or half yearly examinations now once again we are ready with the content and lecture for your final term examinations in previous lecture we covered up to chapter number 9 of statistics that is central tendency measurement arithmetic mean नाउ इन दिस लेक्चर दैट इज लैक्चर नंबर फोर्टी टू वी आर गोइंग टू स्टार्ट द इलेवेंथ चैप्टर ऑफ माइक्रो एकमिक्स दैट इज थ्योरी ऑफ सप्लाई एंड इन टूडेज लेक्चर वी आर गोइंग टू कवर थ्री मेन टॉपिक्स ऑफ दिस कंटेंट कॉन्सेप्ट ऑफ सप्लाई सप्लाई स्ट्यूल एंड कर्व डिटर्मिनेट्स ऑफ सप्लाई द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन अराइज इज वॉट इज द मीनिंग ऑफ सप्लाई सप्लाई होता क्या है सप्लाई ऑफ अ कॉमोडिटी रेफर टू अ वेरियस क्वानिटीज ऑफ अ कमोडिटी दैट द प्रोड्यूसर्स आर विलिंग टू सेल एट डिफरेंट पॉसिबल प्राइजेज ऑफ दैट कॉमोडिटी एट अ पॉइंट ऑफ टाइम एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पे जब वेरियस कम्योडिटीज को प्रोड्यूसर सेल करता है देन दैट इज नोन एज योर सप्लाई राइट नाव सप्लाई एंड स्टॉक जो एक नॉन इकोनॉमिक या नॉन कॉमर्शियल स्टूडेंट होता है उसके लिए सप्लाई और स्टॉक सेम कॉन्सेप्ट है बट सप्लाई और स्टॉक खुद में बहुत डिफरेंट होते हैं सप्लाई तो आपने अभी सुन लिया कि जब हम डिफरेंट कॉमोडिटीज़ को डिफरेंट क्वांटिटीज़ ऑफ कॉमोडिटीज़ को हम सप्लाई करते हैं या सेल करते हैं एट अ पर्टिकुलर प्राइस एट अ गिविन पॉइंट ऑफ टाइम वो आपका सप्लाई है दूसरी चीज़ सप्लाई आपका एक फ्लो कॉन्सेप्ट है और तीसरी चीज सप्लाई ऑलवेज रिलेटेड टू प्राइस ऑफ द कम्योनिटी सप्लाई हमेशा प्राइस ऑफ द कम्योनिटी को रिलेट करता है एंड एज फार एज वी आर कंसर्न अबाउट स्टॉक तो स्टॉक क्या होता है स्टॉक इज द टोटल क्वांटिटी ऑफ द कमोडिटी किसी भी कमोडिटी की जो टोटल क्वांटिटी होती है दैट इज द स्टॉक मतलब टोटल क्वांटिटी ऑफ अ कमोडिटी अवेलेबल विद द प्रोड्यूसर फॉर द प्रेजेंट और फ्यूचर सेल प्रेजेंट या फ्यूचर सेल के लिए जितनी भी आपकी टोटल नंबर ऑफ क्वांटिटी होती है कम्युनिटी की वो स्टॉक कहलाती है जिस तरह सप्लाई फ्लो कॉन्सेप्ट था स्टॉक इज नॉट अ फ्लो कॉन्सेप्ट और स्टॉक का प्राइस से भी कोई रिलेशन नहीं होता है सप्लाई तो आप प्राइस के अकॉर्डिंग करते हैं लेकिन स्टॉक का प्राइस से कोई रिलेशन नहीं होता है नाउ आफ्टर दिस लेट्स अ लुक ऑन सप्लाई एंड क्वांटिटी सप्लाइड सप्लाई तो सेम आई एक्सप्लेन यू टू टाइम्स नाउ वॉट इज क्वानिटी सप्लाइड इट रेफर्सिफिक क्वानिटी टू सेल एटिफिक क्वॉंटिटी को सेल करने के लिए एग्री हो जाता है क्वॉंटिटी सप्लाइड आफ्टर दैट सप्लाइज के ड्यूल एंड कर माई डियर स्टूडेंट इस चैप्टर में बहुत ज्यादा दिक्कत आपको इसलिए नहीं आएगी क्योंकि आप लोग ऑलरेडी थ्योरी ऑफ डिमांड और इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को पढ़ चुके हो और वो आपका एग्जाम में भी आ गया है जिस तरह डिमांड का प्राइस का इन्वर्स रिलेशनशिप होता है सप्लाई का और प्राइस का पॉजिटिव रिलेशनशिप होता है तो सिर्फ उसके अपोजिट है ये चैप्टर कुछ भी और नया नहीं है सच सप्लाई स्कड्यूल एंड कर्व इंडिविजुअल सप्लाई एंड कर्व बेसिकली इंडिविजुअल सप्लाई स्कीड्यूल क्या होता है अ टेबलेट प्रेजेंटेशन ऑफ अ सप्लाई बाय द प्रोड्यूसर्स जब आप एक टेबल की फॉर्म में डाटा का प्रेजेंटेशन करते हैं वो सप्लाई स्केड्यूल होता है इंडिविजुअल सप्लाई स्केड्यूल और इंडिविजुअल सप्लाई कर्व होता है जब आप उसी प्रेजेंटेशन डेटा का ग्राफिकल प्रेजेंटेशन करते हैं वो आपका इंडिविजुअल सप्लाई कर्व बन जाता है सेम वे मार्केट सप्लाई स्केड्यूल एंड कर्व मार्केट सप्लाई स्केड्यूल क्या होता है अ टेबल शोइंग वेरियस अमाउंट ऑफ अ कमोडिटी दैट ऑल दम्स ऑफ प्रोड्यूस इन मार्केट आर विलिंग टू सेल एट डिफरेंट पॉसिबल प्राइस ऑफ द कमोडिटी जब डिफरेंट डिफरेंट प्रोड्यूसर्स किसी भी कम्योनिटी को सेल करते हैं डिफरेंट पॉसिबल प्राइजेस पर तो वो कहलाता है मार्केट सप्लाई स्कीड्यूल राइट और जब आप उसी स्कीड्यूल का ग्राफिकल प्रेजेंटेशन करते हैं एक ग्राफिक रिप्रेजेंटेशन देते हैं तो वो कहलाता है आपका मार्केट सप्लाई कर्व आगे बात समझ नेक्स्ट आपके आते हैं डिटर्मिनेंट्स ऑफ सप्लाई सप्लाई के डिटर्मिनेंट्स क्या होते हैं बेसिकली एस एक्स इक्वल्स टू एफ पी एक्स पी आर एन एफ जी टी एंड जी पी हेयर एक्स एक्स मीन्स सप्लाई ऑफ कॉम्योडिटी एक्स एफ इज द फंक्शनल रिलेशनशिप पी एक्स इज ओन प्राइज ऑफ द कम्योडिटी पी आर प्राइज ऑफ रिलेटेड गुड्स एन एफ नंबर ऑफ फर्म्स

क्वांटिटी सप्लाइड और ओन प्राइस के बीच में हमेशा पॉजिटिव रिलेशन होता है प्राइस बढ़ेगा सप्लाई बढ़ेगी प्राइस कम होगा सप्लाई कम होगी प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड सपोज कीजिए जस्ट एक द एग्जांपल ऑफ सब्सिट्यूट गुड्स सब्सिट्यूट गुड्स में टी एंड कॉफ़ी हैं अगर टी प्रोड्यूसर सेल कर रहा है और अगर टी का प्राइस बढ़ गया तो टी के प्राइस बढ़ने से कॉफ़ी की सप्लाई कम हो जाएगी क्यों क्योंकि टी का प्राइस बढ़ेगा तो टी की सप्लाई बढ़ेगी एंड ऑटोमेटिकली व्हेन देर विल बी राइज इन दी सप्लाई ऑफ टी देन ऑटोमेटिकली देर विल बी फॉल डाउन इन सप्लाई ऑफ कॉफी देन नंबर ऑफ फर्म्स इन दी इंडस्ट्री बेसिकली जितनी नंबर ऑफ फर्म्स ज़्यादा से ज़्यादा होंगी उतना ही आपका सप्लाई मोर एंड मोर होगा मोर एंड मोर फर्म विल लीड टू मोर एंड मोर सप्लाई एंड वाइस वर्सा गोल ऑफ द फर्म बेटा कोई भी फर्म जो है किन्हीं दो गोल के साथ मार्केट में उतरती है एंड वॉट आर दोज गोल्स वन इज प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन एंड वन इज सोशल वेलफेयर इफ अ फर्म इज हैविंग द गोल ऑफ प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन देन मोर विल बी सप्लाई एट मोर प्राइस एंड इफ द फर्म इज हैविंग द गोल ऑफ सोशल वेलफेयर देन मोर विल बी सप्लाई एट लेस प्राइस ऑल्सो राइट नेक्स्ट स्टेट ऑफ टेक्नोलॉजी स्टेट ऑफ टेक्नोलॉजी क्या कहता है कि वॉट सॉर्ट ऑफ टेक्निक यू आर गोइंग टू अप्लाई बेसिकली स्टेट ऑफ टेक्नोलॉजी से आपने टेक्निक कौन सी ली है मोर इम्प्रूव टेक्निक मीन्स मोर एंड मोर सप्लाई टेक्निकस एंड लेस सप्लाई गवर्नमेंट पॉलिसी बेसिकली गवर्नमेंट दो पॉलिसीज को ऑप्ट करती है एक टैक्सीशन एंड एक सब्सिडीज राइट सो टैक्सी और सब्सिडीज क्या होता है ये एक पॉलिसी है जो इम्पेक्ट करती है मार्केट सप्लाई को दो तरह के काम होते हैं टैक्सीशन एंड सप्लाई अगर टैक्स इंक्रीज होगा तो सप्लाई कम हो जाएगी और अगर सब्सिडी इंक्रीज होगी तो सप्लाई बढ़ जाएगी सरकार अगर हम पे टैक्स लगाएगी तो हम सप्लाई कम करेंगे ना और सरकार अगर हम पे सब्सिडीज देगी हमें गुड्स पे तो हम सप्लाई ज्यादा करेंगे सो दीज वर दी ऑफ सिक्स डिटर्मिनेंट्स ओन प्राइस ऑफ द कमोडिटी एक्स प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स नंबर ऑफ फर्म्स इन द मार्केट एंड गोल ऑफ द फर्म स्टेट ऑफ टेक्नोलॉजी एंड गवर्नमेंट पॉलिसीज सो आज के इस लेक्चर में हमने सप्लाई को समझा सप्लाई स्टॉक का डिफरेंस समझा क्वांटिटी सप्लाइड और सप्लाई का डिफरेंस समझा इंडिविजुअल इंडिविजुअल सप्लाई स्केड्यूल और कर्व को पढ़ा मार्केट सप्लाई स्केड्यूल और कर्व को पढ़ा और डिटर्मिनेंट्स पढ़े सप्लाई के ठीक है इतना कुछ पढ़ने के बेसिस पर यू आर इजली टू अटेंड दिस असाइनमेंट आप ये असाइनमेंट बहुत ईजिली कर सकते हैं विच सेज दैट डिफाइन द टर्म सप्लाई वॉट डू मीन बाय क्वांटिटी सप्लाइड गिफ्ट टू डिफरेंस बिटवीन स्टॉक एंड सप्लाई डिफाइन इंडिविजुअल सप्लाई स्केड्यूल draw the graph for market supply how is slope of supply curve explain any two determinants of supply and what do you mean by supply function you are able to attempt these eight answers on the basis of this lecture that's all for today thank you